हे नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुफियान और आप देख रहे हैं सुफियान टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों iPhone 12 Pro, क्योंकि दोस्तों जो iPhone 12 Pro है ना वो दोस्तों बहुत अच्छे स्पेक्स के साथ आता है और उसकी प्राइसिंग भी कम होगी अपने हायर वेरिएंट के मुकाबले। क्योंकि दोस्तों जो iPhone 11 या फिर दोस्तों कोई भी iPhone सीरीज होती है उसमें जो दोस्तों हायर वेरिएंट Pro Max होता है वो काफी अच्छे प्राइसिंग के साथ आता है, लेकिन जो दोस्तों एक कदम नीचे जो iPhone 11 Pro या फिर दोस्तों कोई भी iPhone का Pro वेरिएंट, वो दोस्तों सिमिलर स्पेक्स, लगभग आपको वही स्पेक्स प्रोवाइड कर देता है लेकिन थोड़े कम प्राइसिंग के साथ। तो दोस्तों जो iPhone 11 Pro Max लेने का सोच रहे हैं या फिर दोस्तों iPhone 11, तो उनको मैं कहना चाहूंगा कि अभी रुक जाओ, क्योंकि iPhone 12 सीरीज आने वाला है और iPhone 12 Pro Max के ऊपर एक दोस्तों वीडियो बनाया हूं, आई बटन पर जाके क्लिक करके देखो, सारे ऑफिशियल स्पेक्स है। वैसे भी दोस्तों iPhone 12 सीरीज की जो लाइनअप होने वाली है उसके सारे स्पेक्स ऑलमोस्ट बाहर आ चुके हैं, ऑफिशियल स्पेक्स हैं, कोई फेक स्पेक्स नहीं है और इन्हीं स्पेक्स के साथ ये स्मार्टफोन लॉन्च होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको iPhone 12 Pro के दोस्तों जितने भी स्पेक्स आ चुके हैं, यानी कि जितने भी डिटेलिंग है, स्पेक्स है, प्राइसिंग है, कैमरा डिटेल, सब आपको ऑफिशियल बताने वाला हूं और दोस्तों यही स्पेक्स के साथ ये स्मार्टफोन लॉन्च होगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार अगर हम लोग बात कर ले स्क्रीन के बारे में, तो यहाँ पर आपको 6.1 इंचेस का OLED स्क्रीन दिखाई देगा। जी हाँ दोस्तों 6.1 इंचेस का, यहाँ पर 6.7 इंचेस का आपको Pro Max में देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर बात कर ले और स्पेक्स के बारे में, तो यहाँ पर आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिखाई देगा, जो दोस्तों अडेप्टिव रिफ्रेश रेट होगा, यानी कि अपने मुताबिक चेंज होता रहेगा। तो दोस्तों काफी अच्छा चीज है यार, यहाँ पर आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जा रहा है। अगर दोस्तों हम लोग बात कर ले ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, तो iOS 14 का सपोर्ट मिलेगा और इसकी सिक्योरिटी, यार मेरे को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, सिक्योरिटी गजब है। यहाँ पर कोई ऐप दो बार सोचेगा कि मेरे को रन करना है कि दोस्तों कैसे परमिशन लेना है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर बहुत बहुत ज्यादा हाईली सिक्योरिटी देखी गई है। कोई भी ऐप चलेगा तो वहाँ पर पूछेगा कि यहाँ पर लोकेशन को कितने देर तक इस्तेमाल करना है, बहुत सारी चीजें दोस्तों वहां पर आ चुकी है। यहाँ पर दोस्तों अनवांटेड परमिशन आपको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत अच्छी अच्छी चीजें। अगर आप iOS 14 का दोस्तों रिव्यू देखेंगे ना, आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर सिक्योरिटी आपको कौन सी लेवल की देखने को मिल रही है। और ऐसी सिक्योरिटी दोस्तों काश एंड्रॉइड में भी आ जाए तो मजा आ जाएगा यार। यहाँ पर दोस्तों काफी अच्छे चिट्ठे खुल जाएंगे, जो बाकी जो एप्स होते हैं जो दोस्तों अनवांटेड यहाँ पर जो परमिशन मांगते हैं, जो बैकग्राउंड में चलते हैं, मालूम भी नहीं चलता हम लोगों को, तो बहुत सारे बड़े बड़े दोस्तों यहाँ पर कांड हो जाएंगे अगर दोस्तों ऐसी सिक्योरिटी एंड्रॉइड में आ गया। तो सही बता रहा हूँ यार, ऐसी भयंकर वाली सिक्योरिटी दोस्तों अगर एंड्रॉइड में आ गया काफी मजा आ जाएगा। तो यार अगर बात कर ले हम लोग कैमरा सेटअप के बारे में, तो यहाँ पर भी आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा और दोस्तों यहाँ पर जो चौथा कैमरा मॉड्यूल रहेगा वो लाइडर सेंसर रहेगा, जो आपको दोस्तों आर्गुमेंटेड रियलिटी में हेल्प करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को नहीं मिलेगा, इनफैक्ट आपको iPhone 12 Pro Max या फिर iPhone 12 लाइनअप में किसी में भी आपको दोस्तों क्वाड कैमरा सेटअप देखने को नहीं मिलेगा। आपको iPhone 12 Pro Max, आपको iPhone 12 Pro, ये दोनों में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेंगे और लाइडर सेंसर का सपोर्ट मिलेगा। बाकी जो दोनों छोटे भाई है iPhone 12, iPhone 12 Max, वहां पर आपको डुअल कैमरा सेटअप मिलेगा, ठीक है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, क्वाड कैमरा सेटअप कहीं पर भी नहीं है। और दोस्तों अगर बात कर ले हम लोग मेगापिक्सल के बारे में, तो यहाँ पर आपको 16 मेगापिक्सल का तीनों कैमरा देखने को मिलेगा और सेल्फी भी 16 मेगापिक्सल करेगा, ठीक है। आप 16 मेगापिक्सल का जो कैमरा है वो ऑलरेडी कंफर्म हो चुका, मैं सामने आपको लीक दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों कंपैरिजन किया गया था, तो देखो यार यहाँ पर iPhone 12 Pro Max की बात चल रही है, तो यहाँ पर iPhone 12 Pro में भी वही कैमरा सेटअप रहेगा, ठीक है, ट्रिपल कैमरा सेटअप ही रहेगा और 16 मेगापिक्सल का कैमरा रहेगा। अगर दोस्तों चेंजेस होंगे तो 40 मेगापिक्सल का कैमरा हो सकता है, अदरवाइज दोस्तों और कोई चेंजेस नहीं हो सकते। एक रूमर बता दिया मैं कि अगर चेंज होगा तो 14 मेगापिक्सल में कन्वर्ट हो जाएगा, अदरवाइज दोस्तों 16 मेगापिक्सल ही रहेगा। तो यार अगर हम लोग बात कर ले परफॉर्मेंस के बारे में, तो दोस्तों सबको मालूम है जो iPhone 12 लाइनअप होने वाली है वहां पर आपको एप्पल का लेटेस्ट चिपसेट देखने को मिलेगा, A14 बायोनिक चिपसेट, जो दोस्तों काफी पावरफुल है स्मार्टफोन में। दोस्तों अभी सबसे पावरफुल चिपसेट यही है। यहाँ पर दोस्तों स्नैपड्रैगन का 875 भी आएगा ना, वो भी दोस्तों बहुत पीछे रहेगा, क्योंकि दोस्तों एप्पल के प्रोसेसर्स बहुत ज्यादा दोस्तों पावरफुल होते हैं। यहाँ पर दोस्तों जो बायोनिक चिपसेट है ना यार कमाल है। और दोस्तों ये पहला प्रोसेसर बन जाता है जो 5 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होगा, और दोस्तों यहाँ पर आप बहुत हाई वाली गेमिंग भी करेंगे ना तो आपको कोई ग्लिच, कोई लैग देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों परफॉर्मेंस वाइज यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, एप्पल्स में दोस्तों परफॉर्मेंस का कोई लफड़ा ही नहीं होता, यहाँ पर परफॉर्मेंस नाम का कोई चीज ही नहीं है, क्योंकि आपको कोई भी आईफोन उठा लो जो लेटेस्ट अभी है वहां पर दोस्तों आपको परफॉर्मेंस एक नंबर देखने को मिलता है, तो परफॉर्मेंस वाला कोई यहाँ झंझट नहीं है।
अब अगर दोस्तों बात कर ले हम लोग प्राइस और लॉन्च डेट के बारे में, तो दोस्तों ये जो आईफोन 12 सीरीज है ना, ये आपको अक्टूबर के 12 तारीख को दोस्तों इसका इवेंट होगा, वहां पर दोस्तों आपको लॉन्च होता हुआ दिखाई देगा। अभी तक तो दोस्तों जितने टिप्सटर्स हैं वो यही कह रहे हैं कि अक्टूबर के मंथ में दोस्तों ये आईफोन सीरीज लॉन्च होगी, आईफोन 12 सीरीज, ठीक है। अगर प्राइसिंग की बात करें तो 76,800 से लेके 80,500 तक जाएगा हार्डली, यानी कि 76,000 से लेके 80,000 के बीच में दोस्तों ये रहेगा। ये रूमर वाले प्राइस नहीं है, ये रियल प्राइस है, यूनाइटेड स्टेट का दोस्तों ये प्राइस है, फॉर्चुनर कंट्री का। इंडिया में जाहिर सी बात है बढ़ चढ़ के दोस्तों ये स्मार्टफोन आएंगे, ये दोस्तों फॉर्चुनर कंट्री का प्राइस इसलिए इतना कम है। तो दोस्तों अगर बात कर ले और फीचर्स के बारे में, तो IP68 का दोस्तों वाटर रेजिस्टेंट देखने को मिलेगा, जहां पर दोस्तों आपका जो स्मार्टफोन है वो पानी ये सबसे बच जाएगा। वैसे भी आईफोन्स दोस्तों काफी दोस्तों वाटर प्रूफ होते हैं, जो पानी में भी दोस्तों आप बारिश में भी यूज कर सकते हैं, पानी में गिर गया तो कोई दिक्कत नहीं, तो काफी दोस्तों यहाँ पर अच्छा प्रोटेक्शन आपको देखने को मिल जाता है। तो यार अगर बात कर ले हम लोग डिजाइन के बारे में, तो दोस्तों डिजाइन जो होगा ना पिछले साल के आईफोन से काफी मैच करेगा, लेकिन दोस्तों जो मेन डिफरेंसेस हो जाएगा ना, यहाँ पर कोई बंदा देख के बोलेगा यार ये तो आईफोन 12 सीरीज का कोई स्मार्टफोन है, ये दोस्तों तब बोलेगा क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो नॉच रहेगा वो काफी चेंज रहेगा पिछले साल के आईफोन से। यहाँ पर नॉच का चौड़ाई कम रहेगा, नॉच भी दोस्तों काफी आपको अलग देखने को मिलेगा, और नीचे से चिन तो मुड़ी हुई रहेगी, यानी कि जो स्क्रीन रहता है वो मुड़ा हुआ रहेगा, जिससे आपको नीचे का चिन देखने को नहीं मिलेगा। ये तो आईफोन का दोस्तों काफी अच्छा बात होता है, यहाँ पर एंड्रॉइड स्मार्टफोन मेकर्स को भी ऐसा करना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर जो दोस्तों स्क्रीन होगा काफी वैसा ही रहेगा, बस नॉच छोटा रहेगा, जिससे दोस्तों आपको पता चल जाएगा कि आईफोन 12 सीरीज है। क्योंकि यार देखो यार आईफोन 11 जब आया था तो पिछले साल के आईफोन 10X मैक्स XR से काफी मिलता जुलता था, क्योंकि दोस्तों पता ही नहीं चलता था कि कौन आईफोन 11 है और आईफोन 11 प्रो मैक्स कौन है, या फिर दोस्तों जो आईफोन 10 कौन है, क्योंकि दोस्तों पिछले साल से बहुत मिलता जुलता था। यहाँ पर ट्रिपल कैमरा सेटअप से सब पहचानते थे, तो वैसे ही दोस्तों यहाँ पर दोस्तों नॉच से सब पहचान लेंगे कि आईफोन 12 सीरीज है। और दोस्तों यहाँ पर बैक जो रहेगा वैसे ही दोस्तों पिछले साल के स्टेनलेस स्टील बॉडी से बना होगा, लेकिन दोस्तों काफी शाइनी बैक रहेगा। यहाँ पर दोस्तों सब लोग बोल रहे हैं कि ग्लास का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा, पिछले साल की तरह आपको काफी दोस्तों डल आईफोन देखने को नहीं मिलेंगे, कलरफुल होंगे, शाइनी होंगे, काफी शाइनी बैक देखने को आपको मिलेगा। और दोस्तों इस साल के आईफोन्स में दोस्तों आपको जो टच आईडी देखने को मिलेगा वो अंडर डिस्प्ले वाला होगा, यानी कि आप दोस्तों स्क्रीन को टच करेंगे तो तब दोस्तों अनलॉक होगा स्मार्टफोन, और दोस्तों फेस आईडी तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो दोस्तों आईफोन 12 प्रो नो डाउट दोस्तों बहुत अच्छा स्मार्टफोन होने वाला है। यहाँ पर दोस्तों आपको वैसे वैसे स्पेक्स देखने को मिलेंगे जो आईफोन 12 प्रो मैक्स में आपको देखने को मिलते थे। जो बंदे आईफोन 12 प्रो मैक्स अफोर्ड नहीं कर सकते वो दोस्तों आईफोन 12 प्रो जाके परचेस कर लेंगे, आपको सिमिलर स्पेक्स देखने को मिलेंगे, थोड़े कम दोस्तों यहाँ पर स्क्रीन साइज के साथ थोड़ा छोटा फॉर्म फैक्टर होगा, बस दोस्तों ज्यादा कुछ चेंजेस यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आ गया तो इस वीडियो को तुरंत से लाइक कर दो, चैनल पे अगर नए आए गए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और साइड के पहला आइकन को भी दबा दो, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स लोग के साथ जरूर शेयर करना। अगर कोई आपका दोस्त आईफोन्स में दोस्तों इंटरेस्ट दिखाता है तो ये वीडियो जाके दिखाओ उसको, उसको बताओ कि आईफोन 12 सीरीज के दोस्तों स्पेक्स बाहर आ चुके हैं, खास की आईफोन 12 प्रो और प्रो मैक्स। और दोस्तों ऐसे ही मेरे को सपोर्ट करते रहो, मैं शाम को 7:30 बजे टेक न्यूज भी देता हूँ। तो दोस्तों मिलता हूँ सभी से अगले और एक नई वीडियो में, चलो बाय। जस्ट डू इट। इफ यू आर टायर्ड ऑफ स्टार्टिंग ओवर, स्टॉप गिविंग अप।